वर्दी मिल गया है अब आपको, तो बहुत सारे लोग होते हैं वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, गलत चीज़ों में उपयोग करते हैं, मानते हैं कि आपको वर्दी मिल गया है तो घूस भी लेते हैं, तो आप बन जाइएगा आज, आप पद पे चले जाइएगा तो घूस उस लीजिएगा? नहीं हम घूस नहीं लेंगे। सबको पहले बोलता है कि घूस नहीं लेंगे लेकिन बाद में? नहीं ऐसा नहीं है, सब कोई का अपना अपना सोच होता है। लेकिन आप नहीं लेंगी? नहीं। आगे चल के तो नहीं लेंगी? नहीं नहीं लेंगे बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल। सावन का शायद पहला दिन था, उसी दिन रिजल्ट आया है ना? हाँ सावन का पहला दिन था, हम महादेव का चेला हैं और हमारा हमारे मन में बहुत खुशी हुआ। कल 11 बजे के कुछ मिनट पर इसका रिजल्ट आया, बहुत खुश हैं हम। ये होता है कि कॉलेज में जाते हैं स्कूल में जाते हैं तो लड़के मिलते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आज के डेट में चल रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, तो उस रास्ते पे आप ना जाके इतने कम उम्र में आप इस पद को हासिल किए। हाँ तो उस लाइन पे मेरा कभी मूड नहीं गया, मेरा मन नहीं गया, इसलिए तो उस पे नहीं गया। वैसे लड़के जो इस लाइन में चल जाते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के गलत कामों में, जो मतलब गलत कामों में ध्यान देते हैं, उनको क्या कहिएगा? उनको यही कहेंगे कि हाँ गलत काम में मतलब शुरू से जाने के क्या मतलब इससे कोई फायदा नहीं है, मतलब पहले अपना लाइफ बनाओ फिर जो करना है वो करो। बेटी की शादी होगा तो दहेज भी देता है लोग लड़की वाला, तो आप अब दीजिएगा कि नहीं? क्या है कि आपकी बेटी अब सब इंस्पेक्टर बन गई है। अभी हमारे साथ खुशबू है, जो खुशबू है ये दरोगा में इनका सलेक्शन हुआ है, सब इंस्पेक्टर पर इनका सलेक्शन हुआ है, पद इनको मिला है और चंपारण की है, मोतिहारी की है, तुरकौलिया साइड पर प्रखंड पड़ता है, तो पूरे चंपारण का पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ बगल में है, बात करेंगे कि कैसे पढ़ाई की, कैसे क्या की कि आज इनको इतना बड़ा पद मिला है, इनके माता पिता से भी जानेंगे कि इनको कितना खुशी है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर पे हुआ है। हाँ धन्यवाद, थैंक यू। तो आपको वर्दी तो मिल गया, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिन की मेहनत अब आया है काम। तो आप देख सकते हैं कि चेहरे पे भी मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, इनके माता पिता से जानेंगे। उससे पहले मतलब आप किस तरह से पढ़ाई की, कितना देर पढ़ती थी कि कितना देर पढ़ती थी? देर पढ़ना नहीं लेकिन मतलब निरंतर पढ़ना, रेगुलर पढ़ना ये ज़रूरी है, मतलब कि रेगुलर पढ़ते रहिए। तो अभी कितना घंटा पढ़ती थी? फिर भी 4-5 घंटा पढ़ लेते। बहुत सारे लोग होते हैं जो रात रात बस 2-2 बजे रात तक पढ़ते हैं। नहीं वैसा 2 बजे रात तक नहीं पढ़ते थे। अच्छा तो आप मतलब मोतिहारी की है तो मोतिहारी में रह के ही पढ़ाई करते थे कि मोतिहारी से बाहर जाके? नहीं मोतिहारी में ही रह के पढ़ाई करते थे। पहला अटेम्प्ट है? हाँ ये पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट में मतलब सिलेक्शन हो गया है? हाँ। खुशी हो रहा होगा? हाँ बहुत हो रही है। फोन कॉल भी बहुत सारे, बहुत जगह से बधाइयां भी आ रही होगी ना? हाँ आ रही है। तो और भी इनके माता पिता इनसे भी जानेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी महसूस हो रहा है। बेटी पढ़ाई इसका मेरा सफल हुआ, शुरू से ही मेघावी थी लेकिन हम लोग का गार्जियन का अथी होता है संसाधन उपलब्ध कराना, पढ़ना बच्चे का काम होता है, तो शुरू से ही मेघावी थी, प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 नंबर से पिछले 1 साल से छूट रहा था, तो अब की बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर गई है, इसके लिए बहुत खुशी है, नाम रोशन की है। अच्छा वर्दी मिल गया है अब आपको, तो बहुत सारे लोग होते हैं वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, गलत चीज़ों में उपयोग करते हैं, मानते हैं कि आपको वर्दी मिल गया है तो घूस भी लेते हैं, तो आप बन जाइएगा आज, आप पद पे चले जाइएगा तो घूस उस लीजिएगा? नहीं हम घूस नहीं लेंगे। सबको पहले बोलता है कि घूस नहीं लेंगे लेकिन बाद? नहीं ऐसा नहीं है, सब कोई का अपना अपना सोच होता है। लेकिन आप नहीं लेंगी? नहीं। आगे चल के तो नहीं लेंगी? नहीं नहीं लेंगे बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल। ये तो अभी बोल रही है बिल्कुल नहीं, अगर आगे चल के ले, क्या लगता है आपकी बेटी घूस उस लेंगी कि नहीं? ना नहीं लेगी, हम तो कहे हैं बस दोषी निर्दोष फंसे नहीं, दोषी पर भले भी कार्रवाई करना लेकिन निर्दोष फंसे नहीं इसका ध्यान रखना हरदम। अच्छा आप इनको मतलब बोले हैं कि निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, है ना? क्या कहिएगा माता जी, आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है, खुशी है कि नहीं? बहुत खुशी है, बहुत खूब खुशी है, और हमारे साहब दीदी का योगदान है, उन्हीं के द्वारा महादेव की दया हुई और इसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा सावन का शायद पहला दिन था, उसी दिन रिजल्ट आया है ना? हाँ सावन का पहला दिन था, हम महादेव का चेला हैं और हमारा हमारे मन में बहुत खुशी हुआ, कल 11 बजे के कुछ मिनट पर इसका रिजल्ट आया, बहुत खुश हैं हम। क्या लगता है आपकी बेटी जब पद पे चली जाएगी, थाने में चली जाएगी, तब घूस उस लेगी कि नहीं? नहीं लेगी, कोई नहीं लेगी, क्योंकि महादेव का चेला घूस लेने का काम ही नहीं करता है। अच्छा हाँ। अच्छा आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है कहाँ से पढ़ाई किए, किस स्कूल से किए वो थोड़ा? हाँ शुरू में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़े, उसके बाद फिर MJK गर्ल्स स्कूल में एडमिशन था,
यानी मोतिहारी में ही रह के अभी तक आप पढ़ाई की? हाँ, उसके बाद फिर एलएनडी कॉलेज से इंटर हुआ, फिर ग्रेजुएशन हुआ और कंपटीशन का तैयारी यहाँ ही श्रीकृष्ण नगर में ही है, कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाल्मीकि सर का, वहीं से पढ़े हैं और अभी तक वहीं से पढ़ रहे थे। तो आप शुरू में ही सोच ली थी कि मतलब हमको दरोगा ही बनना है कि दूसरा कोई सपना था? ऐसा नहीं है, मतलब हम एग्जाम देते थे तो इसका भी वैसाई वाला भी एग्जाम दे दिए तो हो गया। अच्छा, आप सिलेक्शन हो गया। हाँ, लास्ट में आप क्या कहिएगा कि मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, जो लोग देख रहे हैं आपको, जो देखेंगे उनको क्या कहिएगा? उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कि हाँ, अगर मतलब वो हमारे तरह हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कहेंगे कि हाँ, लगे रहने के लिए निरंतर रेगुलर, मतलब रेगुलर पढ़ाई करने से हो जाएगा, किसी का भी हो सकता है, रेगुलर करना चाहिए बस। अच्छा, क्या होता है कि आपकी उम्र के, हमारे उम्र के जो लोग होते हैं, और जब उम्र में मतलब एक युवा अवस्था में जाते हैं तो कई मतलब उनका समझिए कि एक रास्ता भटक जाता है, दूसरे लाइन में चल जाते हैं, तो आप वैसा नहीं कि आप इस चीज़ को कैसे फेस की? नहीं, इस चीज़ को हम फेस कर लिए आसानी से, वो भटकने वाला नहीं हुआ। नहीं होता है कि कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो लड़के मिलते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आज के डेट में चल रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, तो उस रास्ते पे आप ना जाके इतने कम उम्र में आप इस पद को हासिल किए। हाँ, तो उस लाइन पे मेरा कभी मूड नहीं गया, मेरा मन नहीं गया, इसलिए तो उस पे नहीं। वैसे लड़के जो इस लाइन में चल जाते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के, गलत कामों में जो मतलब गलत कामों में ध्यान देते हैं, उनको क्या कहिएगा? उनको यही कहेंगे कि हाँ, गलत काम में मतलब शुरू से जाने के क्या मतलब इससे कोई फायदा नहीं है, मतलब पहले अपना लाइफ बनाओ, फिर जो करना है वो करो। अच्छा चाचा जी, क्या कहिए, मतलब आपका बेटी का सिलेक्शन हुआ है, अब आगे किस तरह क्या प्लान है? आगे क्या प्लान है, ज्वाइन करेगी और आगे की तैयारी करेगी। अच्छा, बेटी की शादी होगा तो दहेज भी देता है लोग लड़की वाला, तो आप अब दीजिएगा कि नहीं, क्या है कि आपकी बेटी अब सब इंस्पेक्टर बन गई है? अब दहेज तो एक अलग मुद्दा है, इस पर तो इस पर क्या कहे, अब सब इंस्पेक्टर बन गई, मैंने कुरीति है, कोण है, इसको तो दहेज को तो दूर करना चाहिए, दहेज को दूर करना चाहिए। विरोधी रहे हैं, अपने बेटे का शादी हम घोषणा किए हैं कि बिना दहेज के ही करेंगे, तिलक दहेज के ही करेंगे। हम समाज के लोगों को भी संदेश देना चाहेंगे जे मैंने लड़का का शादी बिना दहेज क्या करें, जो लड़की चुन के बिना दहेज क्या ही शादी ही करें। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आप सब इंस्पेक्टर पद पे गई हैं, श्रेय किसका जाएगा, माता पिता का, सर को किसका जाएगा? हाँ, मेरे माता पिता को जाएगा, फिर मेरे गुरुजन को जाएगा, जिसमें कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक और कैरियर चिल्ड्रेंस वर्ल्ड के संस्थापक है वाल्मीकि सर, वो बहुत सहयोग किए हैं, मतलब बहुत हमको हेल्प किए हैं, बहुत मतलब मेरे हम सबसे ज़्यादा हेल्प किए हैं वही मेरे को, मतलब यहाँ तक लाने में। और फिर फिजिकल भी पास करने में एक हैं, यहाँ मोतिहारी ग्राउंड में है गुड्डू सर, वो बहुत हेल्प किए हैं। अच्छा चाचा, आपकी लड़की जो थी शुरू से ही पढ़ने में थी? हाँ, शुरू से ही मेघावी थी, अभी पिछले एक साल से प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नंबर दो नंबर से छूट रहा था। अच्छा, आज सिलेक्शन हो ही गया? सिलेक्शन हो ही गया, तो निरंतर जो प्रयास करेगा, बार बार प्रयास करेगा, उसका होना निश्चित है, लगन से पढ़ेगा। पढ़ना तो बच्चे का काम है, गार्जियन का काम है संसाधन मुहैया कराना, तो हम लोग संसाधन मुहैया कराए, लेकिन शुरू से ही मेघावी थी, पढ़ने लिखने में तेज थी, शिशु मंदिर में भी उसका 90-92% नंबर आता था हर विषय में। मैट्रिक में कितना परसेंट है? 80% है। इंटर में? इंटर में 72। यानी सर, जो आपकी बेटी आज पद पे गई है, सब इंस्पेक्टर बनी है, कहीं ना कहीं सर का भी इसमें श्रेय है? है, है, श्रेय है, पूरे परिवार का है, बाबा जी का है, पूरे परिवार का है इसमें, मतलब जितने भी लोग रहा है, समाज का भी सहयोग रहा है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। आज खुशबू है जो कि पूरे चंपारण का, पूरे प्रखंड का, पूरे जिले का, पूरे बिहार का नाम रोशन की है। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए बने रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।